अर्रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सारा शाह आपको अपने चैनल लाइफ सॉल्यूशंस में वेलकम कहती हूँ। आज जिस टॉपिक पे मैं आपसे बात करूँगी, जिस मसले पे, वो बहुत कॉमन है लेकिन एक डिफरेंट एस्पेक्ट से आपसे बात करूँगी। और वो ये है कि जब हम परेशान होते हैं, हम उलझनों के शिकार होते हैं, किसी किस्म के मसले से हमें दरपेश होता है, तो हम उससे बाहर आना चाहते हैं, हम निकलना चाहते हैं, हम उसका हल चाहते हैं। और उसमें फिर हम मुख्तलिफ किस्म के तरीके अपनाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी इस हवाले से अवेयरनेस भी आ चुकी है काउंसलिंग के हवाले से, और किताबों में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का मवाद आता है कि किस तरह से हम एक ज़हनी तौर पर पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और किस तरह से हम अपने आप अपने दिल को जो है वो एक पीसफुल स्टेट दे सकते हैं। कुछ हिडन पर्ल्स के बारे में आपको बताऊंगी, यानी छुपे हुए मोती जिनकी तलाश में हम लोग हमेशा रहते हैं कि अगर हम वो पा लें तो हम सुकून की एक कैफियत पा सकें। वो छुपे हुए मोती, वो हिडन पर्ल्स हमें कहाँ से मिलेंगे? वो हमें मिलेंगे अल्लाह ताला की किताब से। क्यों? क्योंकि सूरह 3 में आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इंसान को हमने बेहतरीन साख्त यानी अहसन तकवीन पे पैदा किया। और इसका मतलब क्या है, मैं और आप जानते हैं कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया, अपने सबसे बेस्ट क्रिएशन बनाया। और ये फौकियत हमें किस बिना पे दी गई? ये फौकियत हमें जहन यानी दिमाग की सूरत में दी गई कि हमारा जो जहन है वो सबसे ज़्यादा सलाहियतों का मंबा है। तो अगर यही सही अपनी सही सिमत में काम नहीं करेगा, यही परेशान रहेगा और मायूसी और इस्तराब का शिकार रहेगा, तो फिर हम अपनी बाकी जो ज़िंदगी या जो बाकी जो हमारे गोल्स हैं वो हम अचीव नहीं कर सकेंगे। तो इस जहन को, इस दिल को पुरसकून रखने के लिए ही अल्लाह सुबहान व तआला इस कुरान में हमें वो गाइडलाइन बताते हैं कि हम अपने दिल और दिमाग का सुकून किस तरह से हासिल कर सकते हैं। हवाले से अल्लाह ताला कुरान मजीद में सूरह यूनुस की आयत नंबर 57 में फरमाते हैं कि वो चीज़ है जो दिलों के अमराज की शिफा है। यानी अल्लाह ताला ने इस कुरान में ही इंसान की तमाम दिल और दिमाग की बीमारियों का इलाज भी रखा है, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंसान उस पर कामिल यकीन रखे, तभी ये चीज़ इंसान के ऊपर असरअंदाज हो सकती है। दूसरी एक बात ये कि हम लोग जब भी परेशान होते हैं या फिर किसी किस्म के मसले में घिरे हुए होते हैं, कोई मुसीबत हम पे आई हुई होती है, तो हम चाहते हैं कि कोई ऐसी चीज़ मिल जाए, कुछ पढ़ने को मिल जाए, कोई वजीफ़ा हमें मिल जाए या कोई भी चीज़ ऐसी मिल जाए जिसे हम पढ़ें और फौरन से वो असर दिखा दें। इस हवाले से आपको जो हिडन पर्ल नंबर 2 है वो मैं बताती चलूँ कि सूरह रात की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह की याद ही वो चीज़ है जिससे दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। बिल्कुल इसी तरह इंसान को अल्लाह ताला ये यकीन दिला रहे हैं, ये श्योरिटी दे रहे हैं कि मैं अपने बंदे से हर वक्त करीब हूँ, उसकी शहरक से भी ज़्यादा करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे बुलाता है, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है, तो मैं उसकी आवाज़ को सुनता हूँ, उसकी दिल की फरियाद को सुनता हूँ, उसकी इल्तिजा को सुनता हूँ, उसकी दिली कैफियत को सुनता हूँ। तो जब पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, ना सिर्फ सुनता हूँ बल्कि अल्लाह ताला उसका जवाब भी देते हैं। तो इस उम्मीद के साथ इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे कि यकीनन जो है अल्लाह ताला उसका जवाब ज़रूर देगा, उस मसले से, उस मुश्किल से, उस परेशानी से ज़रूर निकालेगा। ये जो तीनों आयात मैंने आपके सामने रखी, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए तसल्ली और तशफ़ी है कि वो जब कभी मुश्किल या परेशानी में हो या फिर किसी मसले में फंसे हुए हों या दिल गमगीन हो या इस्तराब की कैफियत हो, तो इन आयात को जो है वो बार बार पढ़ा जाए, इन आयात को अपने जहन में बिठाया जाए ताकि अल्लाह ताला उस परेशानी में से भी निकालें और उसमें से जो है वो दिल को मुतमईन भी कर दें। कभी मुश्किल मरहला दरपेश हों, हम परेशान हों, किसी मसले में फंसे हुए हों, तो उठते बैठते, जागते लेटते हर वक्त इस
آیت کو اپنے ذہن میں ریکال کرتے رہیں, دہراتے رہیں, اسے یاد کریں اور اسے اپنے روزانہ کے معاملات میں شامل رکھیں. بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر مختلف جو بھی اس کی صورت ہے اس کو اپنی زبان کو اس سے تر رکھیں. اس کا فائدہ ہمیں اس صورت میں ہوگا کہ کوئی بھی مشکل, کوئی بھی پریشانی ہمیں اللہ کے ذکر سے اتنی زیادہ سخت اور اتنی بڑی نہیں لگے گی انشاءاللہ. تیسری چیز یا تیسرا جو میرا ہڈن پرل ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہوں, جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں. ایک مثال آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی کمرے میں ہیں اور ہمیں کسی بھی مدد کی ضرورت ہے, تو ہم ہمیشہ اس شخص کو جو ہمارا اس کمرے میں موجود ہے ہم اسے مدد کے لیے بلاتے ہیں. یا پھر ایک بچے کی مثال لیجئے کہ ہر صورت میں, ہر مشکل کے وقت, ہر پریشانی میں اسے سب سے پہلے کس کی یاد آتی ہے؟ اسے سب سے پہلے والدین کی یاد آتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہی میری جو ہے وہ مشکل دور کرے گا. ان آیات کو, ان ہڈن پرلز کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں شامل کر لیں, اس کو ذہن نشین کر لیں, اس کو یاد کر لیں اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے, ان آیات سے تر کر لیں, تو انشاءاللہ یہ مشکل کے وقت میں ہمیں ضرور آسانی کی طرف راہ دکھائیں گی اور ہمارے دل و دماغ کو سکون اور اطمینان بخشیں گی. یہاں پہ میری یہ بات اپنی بات ختم کرتی ہوں اور آپ لوگ ضرور کمنٹ کیجئے گا. ایک سوال ہے میرا آپ سب سے, وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی مصیبت میں, کسی پریشانی میں مبتلا ہے اور اس سے نکلنے کی اس کے پاس کوئی راہ نہیں, تو کیا اللہ تعالیٰ نے جو اسے قرآن کے ذریعے راہ دکھائی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے پاس کوئی راستہ ہے اس سے نکلنے کا, اس سے نجات پانے کا؟ آپ ضرور مجھے میرے سوال کا جواب کمنٹ میں دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا, شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو. نیکسٹ ویڈیو میں پھر آپ سے ملوں گی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.